हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है भाई और गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं IMG वर्ल्ड पार्क, वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर्स। गाइस ये जो है ये पार्क वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडोर थीम पार्क है और काफ़ी एक्साइटेड हो जाने के लिए, देखिए रिव्यूज़ जो पड़े हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर अच्छे रिव्यूज़ पड़े हैं मैंने, तो देखते हैं कि कैसा क्या सीन है। और गाइस फिलहाल जब तक आप ये ब्लॉग्स देखोगे तब तक मैं इंडिया आ चुका हूँगा, तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉग्स बनाते हैं तो फिर सीधा एडिट करो, अपलोड करो, उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उतना टाइम आपको और चीज़ें दिखाओ तो उसमें डालता हूँ। तो ये ब्लॉग्स सारे इंडिया के अपलोड हो रहे हैं, वो मेन चीज़ें मैंने आपको बताने का था। पर फिलहाल यहाँ के जो रोड्स है बहुत ही क्लासिक रोड्स है यार, मतलब आप 100 एंड 120 तो टच करके चल ही सकते हो, उससे ज़्यादा बल्कि चल सकते हो। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट जाते हैं IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर्स पार्क और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है और क्या कुछ हमें एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए इस खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गाइस ये है IMG वर्ल्ड पार्क और मुझे नहीं पता था ये IMG वर्ल्ड पार्क बनना था जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो लास्ट टाइम मेरा एक फ़ोटो है इंस्टाग्राम पर ही है मेरा फ़ोटो, और वहाँ पे आप देखना था ये पीछे बन रहा था, तभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, पीछे बन रहा था, तो ये तब पता नहीं था, तब किसी बोला था कोई कुछ तो बन रहा है पर ये अंडर बन रहा है वो नहीं पता था। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे तो इट्स yashpal_desai19। हाँ मुझे यूज़र नेम चेंज करना है फिलहाल, पर जो भी अवेलेबल है इंस्टाग्राम की तरफ से वो यही है। तो ये है फिलहाल गाइस IMG वर्ल्ड पार्क, वर्ल्ड फर्स्ट इंडोर थीम पार्क, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि आगे यहाँ से कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा अंदर तब। ये है फर्स्ट रोलर कोस्टर जो बाहर है, जो बाहर आने पर इसका जो शुरुआत होगी वो इस बिल्डिंग के अंदर से होगी रोलर कोस्टर की और बाहर आएगा। तो ये देखने में ही जब लग रहा है तो बैठने में तो हो जाएगा हमारा। ये है IMG का अंदर का पार्ट, अभी जस्ट सिर्फ शुरुआत हुई है। एक्चुअली ये सिक्योरिटी है यहाँ पे, आपको अगर आपने टिकट प्री बुक की है तो आप लोगों को यहाँ पे स्कैन करने और अंदर आ जाओगे, अगर नहीं लिया है तो वहाँ पे जाना है, अलग अलग प्राइसेस है, आपको जो पैकेज चाहिए उस हिसाब से। आते ही अंदर ये जो भैया है ये आपका पहला फ़ोटो लेंगे, वेलकम फ़ोटो लेंगे, और एंट्री होते ही हमको कौन दिखा, आयरन मैन। तो और अभी ये देखिए पूरा, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, ये काफ़ी बड़ा है गाइस, और देखते हैं कौन सा राइड हम पहले करते हैं। और ये बात तो पक्की है कि मैं यहाँ से कुछ ज़रूर सोवेनियर टाइप का लेके जा रहा हूँ, आयरन मैन का या किसी का भी, मार्वल का, मार्वल की हुडी हो या कुछ तो ले जाऊँगा मैं यहाँ से, पक्की बात है। और ये आप देखिए अंदर आप कॉफ़ी हाउस वगैरह देख सकते हैं। तो पहले हम इंजॉय करेंगे कुछ राइड, देखते हैं कौन सी राइड कहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ जाते हैं और फिर सीधा चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ी, देखो यार देखो आपको दिखाया गया है कि लॉस्ट वैली सीधा कार्टून नेटवर्क की राइड की साइड होगी, मार्वल की साइड होगी, होटल क्या है नहीं पता। तो एक काम करते हैं पहले चलते हैं मार्वल साइड में और फिर आते हैं कार्टून नेटवर्क साइड में। और भैया सब ठीक ठाक हाँ, बॉडी शॉडी बना ली ज़्यादा तुमने लगता लॉकडाउन में, हाँ बॉडी वॉडी बना ली है हल्लू भैया ने, ज़्यादा मस्ती किया है हल्के से तो सिक्योरिटी मारेगा। ये भी एक सोविनियर शॉप है जहाँ से आप आयरन मैन का, पर्टिकुलर सिर्फ आयरन मैन की चीज़ आप ले सकते हो। तो नहीं हम वहाँ से लेंगे, यहाँ से आयरन मैन का नहीं लेंगे, हम वहाँ से लेंगे सबका चीज़। ये थी हमारी फर्स्ट राइड और ये इसमें शूट नहीं कर रहा कि हमको हमारा सब सामान इसमें डालना पड़ा था। तो ये जो है लेवर डाउन हो जाता है और उसके बाद में ये पूरा ऊपर जाता है रोलर कोस्टर के तरह, मतलब रोलर कोस्टर और पूरा स्विंग की तरह गोल गोल घुमाता है और वगैरह होता है। कसम से नानी याद आ गई याद मेरे को इसी राइड में। तो बाहर से ये थी ये राइड जिसमें अभी हम बैठ के आए, तो पता नहीं क्या था ये जो बीच में है ये नीचे हो जाता है और ये ऊपर लेके पूरा हमको मतलब ऐसे इस तरह गोल गोल घुमाता है। और स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी, ठीक है वो सुधा
कसम से टांगे में झंझनाट हो रही है अभी भी मेरे को टांगों में। तो गाइस अब हम जा रहे हैं स्पाइडरमैन, क्या लिखा है, डॉग्स रिवेंज करके कुछ तो लिखा है उस वाली उसमें, और एंट्री में ही साला डेंजर का हाई वोल्टेज लिखा हुआ है। अरे तो उसका इसलिए वो लिखा हुआ है, पर मैं फट गया यार स्टार्टिंग में से ही, ऐसा नहीं होता ना। और लाइंस नहीं है, आपकी भीड़ नहीं है, इसलिए ये लाइंस मिस हो रही है हमको, तो परफेक्ट है वो चीज़ का, और ना हमको ये सब आना पड़ता इसके थ्रू, तो वो सब नहीं। अब सीधा एक्सेस थ्रू द राइड। अब भैया देखते हैं कितनी फटने वाली है इस राइड में। अरे कहीं मौत का काउंटडाउन है क्या, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड वी हैव आवर इंडियन फैमिली गोइंग हियर, तो इससे और जुनून बढ़ता है, और जुनून बढ़ता है राइड करने का कि नहीं हमारे साथ में कोई तो है। तो गाइस अब ये है राइड जिसमें जाने वाले, तो ये जाती यहाँ से ऊपर है और आएगी यहाँ से, दिख नहीं रहा लाइक अंधेरा बहुत है अंदर अभी, मुझे नहीं दिख रही ये है। तो फिलहाल मैं और दिव्यांश बैठने वाले इस कंपार्टमेंट में, लकीली कि मुझे आगे नहीं बैठना इसमें। तो गाइस हम लोग गए थे इस वाले में जो रोलर कोस्टर की आपको राइड दिख रही सामने उसमें, और फिलहाल एक्चुअली क्या है मेन बात, मैं आपको सब राइड तक दिखा सकता हूँ राइड कैसा है, और अंदर नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास गोप्रो नहीं है, गोप्रो था तो मैं बेल्ट बांध देता, मोबाइल ले रहा हूँ तो मोबाइल अलाउड नहीं करते, मोबाइल छोड़ो मैंने जो हाथ में ये कड़ा पहन रखा है ये भी अलाउड नहीं करते लोग, और वॉच भी नहीं अलाउड करते जबकि ये टाइट बन सकती है, नहीं करते तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। तो फिलहाल हम जाके आए स्पाइडरमैन वाले में, और अब हम जाएंगे देखते हैं किधर, तो जाएंगे देखते हैं कुछ ना कुछ। फिलहाल गाइस अब आ रहे हैं हम, मैं और विजयन हम दोनों आ गए हैं, क्या नाम है इस राइड का, एवेंजर्स बैटल ऑफ अल्टन, उस राइड में आ गए हैं। अब देखते हैं इसमें कितनी फट रही है, विजयन बोल रहा है विजयन ने तीसरी बार मुझे पूछ लिया है इसमें तो ज़्यादा नहीं फटेगी, और अब फटेगी कैप्टन अमेरिका, और एक तरह कंप्यूटर्स को रखा है यहाँ पे, लैब बना रखा है एक तरह का, प्लानिंग का है, और ये है कुछ टेस्ट ट्यूब्स में पानी बनाने का सिस्टम। चलो बड़ा फायर अंदर आ रही है, एंट्रेंस इस राइट की गाइस, एंट्रेंस वॉक करते करते फिर वहाँ जाना है हमें, फिर वहाँ क्या रे तू, क्या मार्वल फैन बनेगा रे तू, क्या मार्वल फैन बनेगा तेरे को पता ही नहीं कुछ, मेरे को नहीं पता था ना, मेरे को पता बता देता एंट्रेंस। लेट्स गो। सस्ता वाला दिल्ली के चोर मार्केट का, दिल्ली के चोर मार्केट का Ultra!
No one left to protect you. I'll take that weapon now. Continue your journey, friends. आप लोगों ने जितना देखा उतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाया, वो भी चुपचाप से। अब उसमें थोड़ा क्लियर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो 3D में था और हमने जब से मैंने क्लियर हमको क्लियर दिखा था और मैंने जितना नोटिस किया तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्लियर आया है। तो अब एक काम करते हैं, हमने ये चीज़ अभी किया एवेंजर्स ऑफ अल्ट्रा और बैटल ऑफ अल्ट्रन और अब हम देखेंगे इस मैप में कि कहाँ जाना है। सर छोटी मेरे सारा इस मैप में कि कौन सा एड कब क्या करना है। तो पहले एक काम करते हैं, मार्वल जैसे डिसाइड किया है पूरा मार्वल ख़त्म कर देते एक बार। इस परदेश में क्या मिला, समोसा हाउस और इंडिया की खुशबू आ रही है। देखो बॉम्बे की रिक्शा में टेबल है, इंडिया की खुशबू आ रही है। बता सकते हैं कि ये क्या है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं द लॉस्ट वैली में। ये एक और कुछ है मार्वल की एक लास्ट राइड बाकी थी हल्क चाचा की, जो मैंने आपको पीछे बताया उसका शो टाइमिंग है तो 3 बजे है और फिलहाल बजे है 2:09। तो एक घंटा है, तो हमने सोचा पहले एक घंटे में लॉस्ट वैली ख़त्म कर देते, एक घंटा का टाइम पास करेंगे। तो लॉस्ट वैली ख़त्म करके फिर जाएंगे कार्टून नेटवर्क पे। एक्चुअली 4 ऐसे कुछ हैं और टोटल 22 राइड है यहाँ पे, मतलब इस पूरे जो बड़े खूबसूरत जगह में। ये है वो राइड, मैं अकेला नहीं बैठ रहा, सॉरी। ओके देखते भाई लोग अभी जस्ट करके निकले हैं पीछे से, वहाँ अंधेरा था। कसम से मेरे को मेरी टांगे फील नहीं हो रही हैं, इतना खतरनाक था कसम से। फरारी वर्ल्ड की याद दिला दी इस राइड ने। खैर फरारी वर्ल्ड की जो राइड है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट राइड है, वो इसकी डबल स्पीड पर होती है। आपको याद है मैंने जो बाहर आपको दिखाया था वो रोलर कोस्टर, ये वही रोलर कोस्टर था। हमारे साथ धोखा हुआ, ये वही रोलर कोस्टर था और हम सिर्फ 4 जने थे इस राइड में। 16 की कैपेसिटी में सिर्फ 4 जने बैठे थे, बताओ वो थी बात। तब गए थोड़ा रेस्ट लेंगे फिर जाएंगे दूसरे की ओर। कल हम इस राइड में जाके आए इस रोलर कोस्टर में। आप थोड़ा दूर से दिखा दो इसका क्या क्या स्कैम किया दिव्यांश ने मेरे साथ में। कैसी लगी आगे स्वाद? देखो आप, ये दिव्यांश ने मेरे साथ में एक अच्छा बड़ा स्कैम किया है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये बस इस कदर हम ऊपर गए थे, ठीक है, और फिर ये आए नीचे, ये दिव्यांश ने स्कैम किया था मेरे साथ में, ठीक है। तो दिव्यांश को इस चीज़ की पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। दिव्यांश सोच लेना, देखो इस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। गाइज माय फेवरेट पार्ट कार्टून नेटवर्क, बचपन से इतना कार्टून नेटवर्क देखा है ना, क्या ही बताऊँ आपको मैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अंदर और देखते हैं कार्टून नेटवर्क को हमें क्या क्या देता है। पहले आते ही हमें बेंटन दिखा, मतलब ये मैंने इसका सीरीज इतना देखा है ना, मैंने बेंटन मेरी लाइफ में इतना देखा है ना, वो घड़ी से पता नहीं क्या क्या 8 चीज़ों के प्रकार वाला बनता था ये देखा है। उसके पहले कार्टून में दूसरा देखा है तो है टॉम एंड जेरी। तो भैया टॉम एंड जेरी कहाँ हो बताओ तो सर, बाकी चीज़ हमने कोई नहीं देखी ये से, बाकी फालतू फालतू कार्टून बाकी मैंने नहीं देखे, सिर्फ टॉम एंड जेरी और बेंटन देखा था मैं कार्टून नेटवर्क पे।
भैया कार्टून नेटवर्क जो है वो सबसे बच्चों के लिए है, वो मेरे या दिव्यांश को वहाँ जाने का एक राइड मन किया जिसमें दिव्यांश को बिठा दिया मैंने। और अब हम जा रहे हैं आज की लास्ट राइड पे, जो हेलीकॉप्टर मैंने आपको बताया था क्या था वो, और जो बाहर राइड था ना वो वाला। फाइनली एक राइड करके हम करेंगे फिर पेट पूजा और फिर जाएंगे घर पे, क्योंकि मुझे लेना है कुछ सामान जो कि मॉल तो बंद हो जाए तो मिलेगा नहीं, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो गाइस इसके अंदर बना हुआ है IMG पार्क और दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडोर थीम पार्क। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे और अभी काफ़ी ब्यूटीफुल सनसेट भी हो रहा है, इसलिए अभी वहाँ दिखते हैं वहाँ सनसेट हो रहा है। गाइस अभी फ़िलहाल हम IMG वर्ल्ड पार्क को से निकल कर एग्जिट करके और हम जा रहे हैं दुबई की तरफ। ये थोड़ा दुबई से बाहर बना हुआ है। प्लीज़ ये जो है ना, ये आपको जो मैरीगोल्ड टाइप का दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये है ग्लोबल विलेज जहाँ। और फिलहाल सनसेट देखिएगा इस कितना प्यारा हो रहा है, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। ये मेरे सनसेट के साथ में कुछ फोटोज़ भी है जो कि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी है यहीं के इसी लोकेशन के और आगे भी आने वाले हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी सनसेट देखो और इन्जॉय करो यार, क्या ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। क्योंकि मतलब अगर ये डाउनटाउन का इसकी अगर रिस्की रेस यहाँ तक आ रही तो डाउनटाउन यहाँ पे बुर्ज खलीफा वगैरह है वहाँ पे आ रही होगी, वो पार्ट कितना सुंदर लग रहा होगा वो मैं देखने लायक होगा। और देखिए जरा ये आप जो देख रहे बिल्डिंग, जो बिल्डिंग धूल में और फॉग में ढकी हुई है, तो गाइस ये फॉग नहीं है, ये सैंडस्टॉर्म है जो दुबई पिछले 2 दिन से दुबई में हो रहा है, सैंडस्टॉर्म है ये। तो जी हाँ गाइस, कल रात को मैं इस वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाया क्योंकि यार देखो सुबह IMG गए थे, वहाँ पे इतना सारा मज़ा किया, फिर हम जो राइड्स थे वो बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वगैरह बहुत ही ज़्यादा वो थे, अलग लेवल के हाई थे, तो उससे मेरा सर भी दुख गया था और बहुत थक भी गया था मैं, तो उस कारण से वीडियो एंड कल रात को नहीं हो पाया, तो अभी वीडियो एंड हो रहा है। तो गाइज बस अच्छे से बता रखते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में फिर किसी दिन, और जल्द हाँ गाइज मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज आया कि दुबई मॉल के आप दिखाओ, तो दुबई मॉल का ब्लॉग आ रहा है 27 को बनाऊंगा मैं, तो पक्का आएगा। इसके बाद वाला मॉल, इसके बाद वाला वीडियो दुबई मॉल का होगा।